अब हम इसका रेसिपी सेट करना सीखते हैं। ये जो है अपना टारगेट दे रखा है, इसमें वजन जो उठाते हैं वो देते हैं, ठीक है। इससे अप डाउन होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, सारे फंक्शन होते हैं। अब क्या है, इसको हमें चेंज करना है। जैसे 370 है तो इसको 400 करना है, हाँ वो चेंज कर। ठीक है। 820 है तो इसको 800 करना है, 1290 है तो 1300 करना है, ऐसे कुछ चेंज करने हैं। उसके लिए हम देखते हैं, जैसे एडमिक्चर 4 है तो 3 करने हैं या 1 करने हैं, उसको सीखते हैं। उसके लिए हमें पहले एक बार देखना है इसमें कि वॉल्यूम कितना सेटअप किया हुआ है। तो सेटअप वॉल्यूम है, उसमें जाके ओके करते हैं तो देखते हैं इसमें वॉल्यूम 2 दे रखा है, मतलब कि 2 क्यूबिक मीटर का बनाने का दे रखा है। इसको अपन 1 कर देते हैं, 1 में कितना दे रहा है तो वो देख लेते हैं। 1 में दे रहा है इतना इतना, ठीक है। अब जैसे कि पानी दे रहा है 185, 190 करना है। ये सीमेंट है 410, इसको 410 करना है। तो ये चेंज करने के लिए हम सीखते हैं। इसके लिए 1 नंबर दबाने हैं और पहले जाने हैं सेटिंग में। तो ये रहा सेट ये ऊपर रहा। अपना सेटिंग, ठीक है। ठीक है। सेटिंग में ओके करते हैं, उसके बाद फॉरमेन में आते हैं। फॉरमेन में फिर ओके करते हैं, इसमें पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड कुछ नहीं है, ओके कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कंपोनेंट एंड मिक्स, इस पर भी ओके कर देंगे। अब आएगा कंपोनेंट और एक आएगा मिक्स डिजाइन। तो कंपोनेंट तो सेलेक्ट है पहले से, मिक्स डिजाइन को करना है, तो मिक्स डिजाइन पे ओके करते हैं। अब एक में 30, ये अभी सेलेक्ट है और इसी में चेंज करना है हमें। तो चेंज करने के लिए 3 नंबर बटन दबाते हैं, इसमें आ जाएगा पानी 125। ये ग्रीन पट्टी जैसे 1 पे है, अभी इसको चेंज करना है 185 का, तो ग्रीन पट्टी यहाँ तक आना चाहिए। उसके लिए ओके बटन दबाएंगे, ओके बटन दबाते हैं ग्रीन पट्टी इस पे आ गई। अब एक बार और ओके बटन दबाएंगे, ये बार ग्रीन पट्टी यहाँ पे आ गई। अब इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे 185 है तो 190 कर सकते हैं, 190 कर सकते हैं, ठीक है। इसको ओके कर दिया। और सीमेंट को चेंज करना है तो इसको एक बार डाउन करेंगे, फिर इसके बाद इस पे ओके करेंगे, फिर एक बार और ओके करेंगे, फिर आके 410 है तो 400 कर देंगे, इसको जैसे 400 कर देंगे, ठीक है, ओके कर देंगे। अब जाके ऐसे करके सारा सेट कर लेंगे, फिर जाके बैक जाएंगे, ठीक है। बैक गए,